हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है ऑन लैपलास ट्रांसफॉर्म। और आज के इस क्लास में अपन पढ़ेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग मेथड। तो इससे पहले वाला अगर क्लास किसी ने अटेंड नहीं करा बेटा, तो इससे पहले वाला क्लास आप अटेंड कर लीजिए। आप प्ले लिस्ट में जाके मैथमेटिक्स थ्री की प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि आप सिलेबस के वीडियो से स्टार्ट करें, क्योंकि बेसिकली मैंने वहीं पर गाइड किया है कि कौन सी यूनिवर्सिटी को मैं किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। चलिए, तो भैया ये तो हो गया प्रचार। अब दूसरी काम, आप लोगों को अटेंडेंस देना है। अपना नाम सबसे पहले आप कमेंट कीजिए, ताकि एज अटेंडेंस रहे कि हाँ ये बच्चा मेरा पढ़ा था। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब कोई अपना नाम कमेंट करेगा, तो मुझे खुशी होगी। चलिए, तो बेसिकली आज पढ़ना अपन को फर्स्ट शिफ्टिंग मेथड। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप चाहो तो बीच में एक ब्रेक ले सकते हो, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ एक बार में एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने के लिए। ठीक है, चलिए। इससे पहले वाला क्लास में क्या पढ़े थे बेटा? इससे पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन ऑफ टी है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, अगर उस फंक्शन ऑफ टी में हम लोग क्या लगा दें, लैपलास लगा दें, तो वो फंक्शन ऑफ एस में बदल जाता है। बेसिकली मैंने आपको यही सिखाया था कि अगर किसी भी फंक्शन ऑफ टी में हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म लगा दें, एल आपका क्या है बेटा, एल आपका लैपलास ट्रांसफॉर्म है, तो ये जो फंक्शन ऑफ टी है ये कन्वर्ट हो जाता है फंक्शन ऑफ एस में। ये वाली बात मैंने आपको बताई थी, और साथ ही साथ कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। देखो बेटा, फॉर्मूलेज में और भी लिखवा सकता हूं, लेकिन एक समय पर जाके क्या होता है ना, फॉर्मूला फेल हो जाता है। आप इतना सारा मैं फॉर्मूला आपको याद करवाऊं, और एक समय पर फिर आप बहुत अपने आप को होपलेस फील करो कि यार अब फॉर्मूलेज में कैसे लगाऊं, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। तो वैसा फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि अगर आप कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे हो, तो आप सोचोगे सर इतने सारे फॉर्मूलेज कॉलेज के टीचर ने लिखवाए, आप इतना कम क्यों लिखवा रहे हो। ठीक है बेटा, चलिए, कोई भी ऐसा मैथ नहीं जो आपसे नहीं बनेगा, आप निश्चिंत रहिए। फॉर्मूला मैंने कम लिखवाया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे क्या करें, फॉर्मूले को बनाना सीखे। चलिए, तो भैया अब ये क्या है फर्स्ट शिफ्टिंग? सबसे पहले इस टॉपिक की बात करते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग बेसिकली है क्या? देखो बेटा, फर्स्ट शिफ्टिंग एक मैथड है जो हमें अलाउ करता है किसी भी लैपलास में इंसर्ट करने के लिए, क्या करने के लिए बेटा, इंसर्ट करने के लिए ई का पावर 80। मतलब हम किसी भी लैपलास ट्रांसफॉर्म में e का पावर 80 जब इंसर्ट करते हैं, तो उसका जो मेथड होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट शिफ्टिंग बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मतलब अभी क्वेश्चन उसन करवाऊंगा, आएगा समझ, जरा टेंशन नहीं लेना। ठीक है, चलिए, जैसे कि बेटा यहां पर देखिए फंक्शन ऑफ टी है, यहां पर लैपलास लग गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, फंक्शन ऑफ एस हो गया। अगर मैं चाहता हूं कि यहां पर फंक्शन ऑफ टी में मैं ई का पावर 80 भी क्या करूं, इंसर्ट कर दूं, ठीक है, फंक्शन ऑफ टी के साथ ई का पावर 80 भी इंसर्ट कर दूं, तो यहां पर मैं यूज करूंगा फर्स्ट शिफ्टिंग मेथड। यहां पर मैं यूज करूंगा फर्स्ट शिफ्टिंग मेथड। तो फर्स्ट शिफ्टिंग क्या कहता है बेटा, कि आप ई का पावर 80 किसी फंक्शन ऑफ टी में ला सकते हो। आप ई का पावर 80 किसी भी फंक्शन ऑफ टी में ला सकते हो। चलिए, हमने क्या किया बेटा, फंक्शन ऑफ टी में ई का पावर 80 भी ले आए यहां पर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि हमने इनपुट में अगर कुछ चेंज किया बेटा, तो आउटपुट में भी चेंज होगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग लगा के e का पावर 80 को इंसर्ट करेंगे बेटा, तो ये जो फंक्शन ऑफ s है ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ s माइनस a में कन्वर्ट। ये क्या हो जाएगा बेटा, फंक्शन ऑफ s जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फंक्शन ऑफ s माइनस a में। बोलोगे सर क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी स्टार्ट कर रहा है बेटा, जब खत्म होगा तो लास्ट क्वेश्चन हमारा गेट का होगा। अभी हमने क्या करा बेटा, स्टार्ट करा। चलिए, अब मैं आपसे अपने लैंग्वेज में बात करता हूं। देखिए, आपके मन में सबसे पहला सवाल आएगा कि सर फर्स्ट शिफ्टिंग हम लोग यूज क्यों और कहां करते हैं? तो बेटा देखो, हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग यूज क्यों करते हैं? फर्स्ट शिफ्टिंग हम लोग इसलिए यूज करते हैं बेटा, ताकि हम लोग लैपलास में ई का पावर 80 क्या कर पाए, इंसर्ट कर पाए, ठीक है। जब e का पावर 80 किसी लैपलास में इंसर्ट करना होता है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग में। तो एक बात आप अपने दिमाग में डाल लो बेटा, कि अगर आपको लैपलास का कोई क्वेश्चन दिख रहा है और उस क्वेश्चन में आपको e का पावर 3t मतलब एक्सपोनेंशियल दिख रहा है, या तो e का पावर 4t चाहे e का पावर -t दिख रहा है बेटा, तो यहां पर उन सब क्वेश्चन में क्या यूज होगा बेटा, उन सब क्वेश्चन में आपको फर्स्ट शिफ्टिंग यूज होगा। उन सब क्वेश्चन में क्या होगा बेटा, आपको फर्स्ट शिफ्टिंग यूज होगा। दूसरा तबका ये कहेगा कि सर फॉर्मूलेज भी हैं, आप गधे हो जो फॉर्मूलेज नहीं बता रहे। दूसरा तबका ये भी कहेगा, सर आप गधे हो, आप ये फॉर्मूला हमें बता सकते हो,
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर ए टी साइन बी टी, ये फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है ये फॉर्मूला, ए अपॉन एस माइनस सॉरी बी, यहाँ पे बी है ना, बी अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ठीक है। लेकिन होगा क्या बेटा कि जब ये सब फॉर्मूले मैं आपको लिखवाऊंगा और आपको आगे लेकर चलूंगा, एक समय ऐसा आएगा बोलोगे सर फॉर्मूले लगा ही नहीं पा रहे हो तो गलती कर दे रहे हो, तो भाई मतलब ही क्या बनता है वैसा फॉर्मूला पढ़ के। चलिए बेटा तो एक छोटा सा रिकॉल लेते हो फिर अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन में। तो बेटा फर्स्ट शिफ्टिंग मेथड अपन पढ़ रहे हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग मेथड क्या अलाउ करता है अपन को कि जब आपको किसी भी लैपलास में ई का पावर एटी इंसर्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग मेथड का यूज करते हैं। तो जब आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में ई का पावर एटी लेकर आएंगे तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ये जो ए है ये एस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ठीक है। और मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में आपको ई का पावर थ्री टी, ई का पावर फोर टी ऐसा कभी भी कोई टर्म दिखे तो आप समझ जाना कि आपको फर्स्ट शिफ्टिंग यहां पर यूज करना है ठीक है। चलिए और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूले में एक फॉर्मूला और आप लोग ऐड करो ठीक है, साथ ही साथ फॉर्मूले में आप लोग एक फॉर्मूला और ऐड कर लो, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर ए टी होता है वन अपॉन एस माइनस ए ठीक है। चलिए फॉर्मूला आप ऐड कर लिए, अब हम क्या करते हैं बेटा क्वेश्चंस करते हैं तब आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट शिफ्टिंग का यूज कहां करते हैं, इसको नोट करो फिर अपन आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए माय डियर फ्रेंड पहला क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन हमेशा से बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, थ्योरी मैंने बताया, थ्योरी मुझे पता है कि बड़ा बोरिंग सा होता है, इतना कॉन्फिडेंट नहीं आ पाता है भले मैं थ्योरी में कितनी ही बातें क्यों ना बोलूं ठीक है बेटा। चलिए तो देखिए क्वेश्चन है आपका, दोनों तरीके से पूछ सकता है, फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये एक लैंग्वेज के हिसाब से पूछ सकता है या तो आपको इस तरीके से ही पूछ सकता है, दोनों में आपको क्या लगाना है मतलब लैपलास ट्रांसफॉर्म ही निकालना है। चलिए बेटा तो एक बात आपके सवाल में ये उठेगा कि सर क्या हम लोग को बोलकर देगा कि फर्स्ट शिफ्टिंग आप यूज करो, नहीं बेटा फर्स्ट शिफ्टिंग आपको कभी भी क्वेश्चन में बोलकर नहीं देगा कि आपको फर्स्ट शिफ्टिंग का यूज करना है, ये बात आप हो जाओ क्लियर ठीक है। चलिए तो सर कैसे पहचानेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग यूज करना है, तो बेटा आप देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको, ई का पावर थ्री टी, यहां पर भी देखो दोनों एक ही क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों कभी भी आपको अगर क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल दिखे लैपलास ट्रांसफॉर्म में, कभी भी आपको एक्सपोनेंशियल दिखे ई का पावर थ्री टी, ई का पावर फोर टी, ई का पावर फाइव टी ठीक है, तो आप समझ जाना मेरे प्यारे बच्चों कि आपको यहां पर फर्स्ट शिफ्टिंग यूज करना है। चलिए इस वाले में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है प्यारा बच्चा ठीक है, कि फर्स्ट शिफ्टिंग अपन को यूज कब करना है, कि क्या हमें क्वेश्चन में लिखकर देगा, क्वेश्चन में लिखकर नहीं देगा ठीक है। आप समझ लो कि आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है और अगर उस लैपलास ट्रांसफॉर्म में आपको ई का पावर कुछ भी दिख रहा है, थ्री फोर एक्सपोनेंशियल दिख रहा है, तो आप एकदम समझ जाओ कि यहां पर किसका यूज होगा, फर्स्ट शिफ्टिंग का यूज होगा ठीक है। चलिए अब इसका अप्रोच कैसा होगा बेटा, किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे, तो देखो बेटा क्वेश्चन कोई सा भी हो एक्सपोनेंशियल वाले को छोड़कर जो आपका दूसरा फंक्शन उसका पहले लैपलास निकालो ठीक है। तो यहां पर देखो एक्सपोनेंशियल वाले को छोड़कर यहां पर क्या है, साइन फाइव टी है, तो एक काम करो आप मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि आप एकदम क्लियर हो चुके हो कि यहां पर फर्स्ट शिफ्टिंग का यूज होगा क्योंकि यहां पर ई का पावर थ्री टी दिख रहा है, तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस में आप इसको छोड़कर एक्सपोनेंशियल को छोड़कर ये जो दूसरा वाला फंक्शन है इसका क्या निकालो आप, लैपलास निकालो। चलिए तो बेसिकली अपन को लैपलास निकालना है किसका, साइन 5t का। तो मेरे प्यारे बच्चों लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 5t क्या हो जाएगा, 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन 8t का लैपलास क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देख लो साइन 8t का ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ठीक है बेटा। चलिए इतना करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों अपन को क्या करना है, यहां पर फर्स्ट शिफ्टिंग का यूज करना है, तो यहां पर लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग ठीक है बेटा। यहां पर क्या यूज करेंगे हम लोग, फर्स्ट शिफ्टिंग। फर्स्ट शिफ्टिंग क्या करता है, हम लोग को अलाउ करता है कि आप अपने लैपलास के लेफ्ट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल को ऐड कर सकते हो ठीक है। चलिए तो यहां पर आप लैपलास में एक्सपोनेंशियल क्या ऐड करना चाहते हो, ई का पावर थ्री टी, तो यहां पर फर्स्ट शिफ्टिंग के हेल्प से आप यहां पर e का पावर 3t ऐड कर सकते हो। चलिए बोलो ना सर मजा आ गया, वाह हीरो बन गए हम तो, कि आपने बता दिया सर कि फर्स्ट शिफ्टिंग के हेल्प से हम लोग यहां पर आपका एक्सपोनेंशियल वाला टर्म ला सकते हैं, तो जाहिर सी बात है राइट हैंड साइड में भी कुछ चेंज होगा, जब आप लेफ्ट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल लेकर आओगे
तो राइट हैंड साइड में भी कुछ चेंज होगा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में चेंज क्या होता है बेटा, देखो जब आपका e का पावर 80 हम लोग लाते हैं तो क्या चेंज होता है, s के जगह पर s माइनस a, ये चेंज होता है। जब e का पावर 80 आता है तो क्या चेंज होता है, s के जगह पर s माइनस a होता है। तो यहां पर कौन आया है, यहां पर e का पावर 3t आया है। तो जब यहां पर e का पावर 3t आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर s के जगह पर क्या हो जाएगा, s माइनस 3, ठीक है। तो जब जब यहां पर आपका e का पावर 3t आया मेरे प्यारे बच्चों, तो s के जगह पर क्या हो जाएगा, s माइनस 3। तो आप यहां पर देखो जहां पर s है वहां पर क्या कर दो, s माइनस 3, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन s माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलिए फिर से मैं रिपीट करूंगा, अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे वहां से चीजें क्लियर होंगी, एक क्वेश्चन में कभी भी सब कुछ क्लियर नहीं होता। देखो यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग हमने क्या किया यहां पर, एक्सपोनेंशियल लाइन। तो देखो बेटा नियम क्या होता है, जब e का पावर 80 आता है तो राइट हैंड साइड में क्या होता है चेंज, s माइनस a। अब यहां पर e का पावर 3t आया है, तो देखो a के जगह पर कौन है बेटा, a के जगह पर आपका 3 है, तो यहां पर भी a के जगह पर कौन होगा, 3, तो s के जगह पर s माइनस 3। तो यहां पर देखो आपका s था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, s माइनस 3, यही आपका क्या है आंसर, ठीक है। चलो दो लाइन में बन गया, ठीक है। और ये बेटा हम लोग बेस कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि जब जो हमारा यूनिवर्सिटी एग्जाम वाला क्वेश्चन होता है वो मिक्सअप होता है कंसेप्ट का, लेकिन जब आपका बेस अच्छा रहेगा तब आप मिक्सअप क्वेश्चन भी अच्छे से कर पाओगे, अदरवाइज मिक्सअप क्वेश्चन अपन से नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए तो आप इसको नोट कीजिए, फिर अपन एक आध क्वेश्चन और करते हैं जहां से हमारा कॉन्फिडेंट और बढ़ेगा। चलिए माय डियर फ्रेंड एक और प्यारा क्वेश्चन करते हैं जहां से कॉन्फिडेंट थोड़ा सा बढ़ेगा, अपन जीरो से हीरो बनेंगे बेटा, आखिर में अपन गेट के क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। चलिए सो आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ, फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन ऑफ टी का, ये फंक्शन ऑफ टी है, इसका आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिखकर दे सकता है। फिर मैं वही बात बोलूंगा कि बेटा कभी भी आपको लिखकर नहीं देगा कि आपको फर्स्ट शिफ्टिंग यूज करना है, आप एकदम तेज बन जाओ। आपको क्वेश्चन में अगर एक्सपोनेंशियल दिख रहा है, देखो दोनों एक ही क्वेश्चन है, दिखा मैं दो जगह दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि दो अलग अलग क्वेश्चन है, एक लैंग्वेज में दिया हुआ और एक ऐसे आपको ऑपरेशन में, ऐसा सिंपल भी कभी कभी दे देता है एग्जाम में, चलो है ना, बच्चे ही बड़े मासूम बिंदु बोलेगे सर ऐसा वाला क्वेश्चन करवाएंगे क्या, बच्चे बच्चे होते हैं। चलिए तो भैया यहां पर आपको क्या दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल दिख रहा है, तो एकदम आप क्लियर हो जाओ कि आपको एक्सपोनेंशियल दिख रहा है मतलब यहां पर फर्स्ट शिफ्टिंग यूज होगा, ठीक है। तो अब करना क्या है बेटा, अब आप एक्सपोनेंशियल को छोड़कर जो फंक्शन है उसका क्या करो, लैपलास निकालो। ये जो छोड़कर जो है ना ये आगे मिक्सअप में भी काम आएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, e का पावर 4t को छोड़ देते हैं, ठीक है। साइन 90 का क्या करते हैं बेटा, लैपलास निकालते हैं। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 90 निकालेंगे। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 90 हो जाएगा 9 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, क्योंकि साइन 80 का फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए के जगह पर 9 है इसलिए a के जगह पर यहां पर 9 है। तो खैर फॉर्मूलेज वाले लेक्चर में हमने इनको अच्छे से करा था। चलिए अब यहां पर क्या करेंगे बेटा, e का पावर 40 हम लोग इंसर्ट करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग, ठीक है बेटा। फर्स्ट शिफ्टिंग का यूज करके क्या करते हैं हम लोग, लैपलास में एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। चलो तो यहां पर एक्सपोनेंशियल वाला टर्म क्या, e का पावर 4t है, तो यहां पर लैपलास में क्या आ गया, e का पावर 4t आ गया और ये साइन 90। तो मेरे प्यारे बच्चों जब लेफ्ट हैंड साइड में e का पावर 4t आ रहा है तो राइट हैंड साइड में भी कुछ चेंजेस होगा, ठीक है। तो वो चेंजेस क्या था बेटा, देखो जब e का पावर 80 आता है तो क्या चेंज होता है, s माइनस a। अभी यहां पर क्या आ रहा है बेटा, e का पावर 4t आ रहा है, तो जब e का पावर 4t आएगा मेरे प्यारे बच्चों तो a के जगह पर क्या है 4, तो s के जगह पर क्या हो जाएगा, s माइनस 4, ठीक है। आप समझ लो फर्स्ट शिफ्टिंग में कहना क्या चाहता हूं कि फर्स्ट शिफ्टिंग से अपन एक्सपोनेंशियल वाले को लैपलास में इंसर्ट करते हैं तो राइट हैंड साइड में क्या होता है, एस में एस माइनस ए हो जाता है। ए कौन देता है अपन को, यही एक्सपोनेंशियल ही देता है, ठीक है। चलो जब e का पावर 80 होता है तो s माइनस ए हो जाता है, तो जब e का पावर 40 इंसर्ट करेंगे तो s के जगह पर s माइनस 4 हो जाएगा। तो यहां पर s देखो सिर्फ एक जगह पर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा,
आपका एस के जगह पर एस माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस नाइन का होल स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चले तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करो, अभी और भी क्वेश्चंस करते हैं जहां से चीजें और क्लियर होंगी। ठीक है इनको आप नोट करो बेटा, फिर अपन और क्वेश्चन करते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड एक और प्यारा क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगर आप क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी ई का पावर थ्री टी कॉस थ्री टी। तो जैसे ही आप देखोगे ई का पावर थ्री टी, आप एकदम समझ गए कि हाँ भैया यहां पर फर्स्ट शिफ्टिंग यूज होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो थोड़ा समझ में आ रहा होगा हाँ सर कहना क्या चाहते हैं। ठीक है तो आपको क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, आपको क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल दिख रहा है। तो जब आपको एक्सपोनेंशियल दिख रहा है मतलब आप समझ चुके हैं कि आपको फर्स्ट शिफ्टिंग यूज करना है। तो बेटा आप यहां पर क्या करेंगे, हम लोग इस एक्सपोनेंशियल वाले को छोड़कर जो बचा हुआ फंक्शन है उसका क्या करेंगे, लैपलास निकालेंगे एंड देन फर्स्ट शिफ्टिंग का यूज करके फिर एक्सपोनेंशियल को भी क्या करेंगे बुला लेंगे। ठीक है चलो, तो यहां पर e का पावर 3t को छोड़कर बच कौन रहा, cos 2t बच रहा है। चलिए तो इसका क्या करते हैं बेटा, लैपलास निकाल लेते हैं। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t, ठीक है बेटा। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, cos at का, cos at का फॉर्मूला होता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो उसी आधार पर cos 2t का क्या हो जाएगा, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए मैंने क्या किया फॉर्मूला यहां पर आपको बता दिया, फॉर्मूला यहां भी लिखा हुआ। ठीक है चलो, तो हमने क्या किया बेटा, cos 2t का लैपलास निकाल लिया है ना, cos 2t का लैपलास क्या निकला, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर। चलिए अब यहां पर क्या करेंगे बेटा, अपन को तो लैपलास ट्रांसफॉर्म पूरे का निकालना है ना, ऐसा थोड़ी ना सिर्फ cos 2t का निकालना है, नहीं अपन को लैपलास निकालना है e का पावर 3t cos 2t का। तो अब हम लोग यहां पर क्या यूज करेंगे बेटा, यहां पर यूज करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग मेथड। ठीक है फर्स्ट शिफ्टिंग मेथड हम लोग यूज करेंगे, तो यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग ये भी लिख दो चलेगा। चलिए तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट शिफ्टिंग के मेथड से e का पावर 3t को भी ले आएंगे लैपलास में। तो e का पावर 3t आपका आ जाएगा, ठीक है यहां पर क्या है बेटा cos 2t पहले से। चल तो मेरे प्यारे बच्चों, जब e का पावर 3t लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो राइट हैंड साइड में भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है देखो क्या कहता है फर्स्ट शिफ्टिंग, कि अगर आप e का पावर 8t लेकर आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो आपको राइट हैंड साइड में s माइनस a करना पड़ेगा, मतलब s के जगह पर s माइनस a। तो अब यहां पर e का पावर 3t हम लोग लेकर आ रहे हैं, e का पावर 3t हम लोग लेकर आ रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग राइट हैंड साइड में क्या करेंगे s माइनस थ्री कर देंगे। ठीक है क्योंकि जब e का पावर 8t आता है तो s माइनस a, e का पावर 3t देखो a के जगह पर क्या है थ्री, तो यहां पर भी a के जगह पर थ्री। चलो तो यहां पर s है मेरे प्यारे बच्चों, तो s के जगह पर s माइनस थ्री, फिर यहां पर एक और s है तो s माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आई बात समझ में। चलो अब ये तो क्लियर हो चुका होगा है ना, अभी और भी क्वेश्चंस करवा दे तो बेस जितना आपका स्ट्रांग रहेगा ना आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मुझे मैंने क्या बोला प्रॉमिस किया आपसे कि गेट के क्वेश्चंस प्लस यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चंस आपसे बहुत आसानी से बनेंगे। तो बेस में अगर हम लोग थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे, मुझे पता है कि ये क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी एग्जाम में आने के चांसेस कम है, लेकिन यही सब क्वेश्चंस करके अपन बड़े बड़े क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर छोटे छोटे क्वेश्चंस में फोकस नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं एक ही बार बड़ा क्वेश्चन कर लें, तो वो पॉसिबल नहीं है। चलिए इसको लिखिए बेटा, फिर अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड एक और प्यारा क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन से थोड़ा और आपको कॉन्फिडेंट मिलेगा। ठीक है चलिए बेटा, तो आप क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है तो क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है बेटा, क्वेश्चन में आपको एक्सपोनेंशियल दिख रहा है। देखिए चलो, तो ये कंफर्म हो गया कि जब एक्सपोनेंशियल आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म में दिखेगा तो आप ये समझ जाओ कि आपको यहां पर फर्स्ट शिफ्टिंग मेथड का यूज करना है। तो मैंने आपको क्या बोला था बेटा कि एक्सपोनेंशियल को छोड़कर जो आपका फंक्शन है उसका क्या करो, आप लैपलास निकाल लो। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों एक्सपोनेंशियल को छोड़कर बच रहा कौन, कॉस 60 बच रहा है। ठीक है चलिए, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 60 यहां पर निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 60 क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 6 का
होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है यहां पर आप देख सकते हैं, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक ही जगह पर कौन है बेटा, एक ही जगह पर यहां पर सिक्स है, तो ये बेसिक थोड़ा अपन को अच्छा रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट शिफ्टिंग यूज करेंगे, तो यहां पर लिखो यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग, अगर नहीं लिखना है तो नहीं भी लिखोगे चलेगा, ठीक है, लेकिन अभी अपन सीख रहे हैं तो लिख लेते हैं यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग। तो फर्स्ट शिफ्टिंग अपन को क्या करता है बेटा, फर्स्ट शिफ्टिंग अपन को अलाउ करता है कि आप एक्सपोनेंशियल को भी ला सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों एक्सपोनेंशियल क्या है, e का पावर 90, तो यहां पर लैपलास में हम लोग क्या करेंगे, e का पावर 90 ले आएंगे, ठीक है। तो यहां पर जो cos 60 था, cos 60 के साथ यहां पर क्या आ गया आपका, e का पावर 90 भी आ गया, ठीक है बेटा। चलो तो ये किसके हेल्प से आया बेटा, फर्स्ट शिफ्टिंग के हेल्प से आया है ना। तो फर्स्ट शिफ्टिंग से क्या हुआ बेटा, हमारा एक्सपोनेंशियल इंजेक्ट हो गया, तो जब एक्सपोनेंशियल आएगा तो ये राइट हैंड साइड में भी कुछ चेंजेस करेगा, वो चेंजेस क्या होता है बेटा, जब e का पावर 80 आता है तो s माइनस a करके जाता है, तो जब e का पावर 90 आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो a की जगह पर 9 है, तो ये s माइनस 9 कर देगा, इसका मतलब राइट हैंड साइड में जहां जहां पर s है वहां वहां पर क्या कर देंगे, s माइनस 9, ठीक है, s माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 6 का, यही क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो एटलीस्ट ये तो पता चल गया ना कि हाँ भैया फर्स्ट शिफ्टिंग कहां पर यूज होता है, फर्स्ट शिफ्टिंग होता क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, लैपलास इनवर्स अगर आप पढ़ना चाहते हो तो लैपलास ट्रांसफॉर्म में आपको मास्टर होना पड़ेगा, वरना बहुत ऐसे बच्चे हैं जो लैपलास इनवर्स नहीं कर पाते, तो अगर आपको मास्टर होना है कहां पर, लैपलास इनवर्स में, तो आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म में भी मास्टर होना पड़ेगा। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए बेटा, फिर अपन और क्वेश्चन करते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड एक और क्वेश्चन करते हैं बिना बोर किए आपको, देखिए फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म दिस, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है, इसको इस तरीके से लिख कर दे सकता है। अब हम लोग मास्टर हो चुके हैं, अब आपको अपनी आंखों से क्या दिख रहा है, मुझे तो अपनी आंखों से e का पावर 40 दिख रहा है, इसका मतलब ये कंफर्म हो चुका है कि आपको यहां पर फर्स्ट शिफ्टिंग का यूज करना है, बोलोगे यस, ठीक है। चलिए तो भैया कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट ये कहता है कि आप एक्सपोनेंशियल वाले को छोड़िए, ठीक है, उसको छोड़कर जो फंक्शन है उसका क्या कीजिए, आप सबसे पहले लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालिए, उसके बाद फर्स्ट शिफ्टिंग के मेथड से आप क्या कीजिए उसको इनपुट में ले लीजिए एक्सपोनेंशियल को, राइट हैंड साइड में कुछ चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अप्रोच सीखो बेटा कि किस अप्रोच से अपन आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि भले अभी मैं इस क्लास को पढ़ा रहा हूं लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि आपको आगे क्लासेस में भी दिक्कत ना हो, ठीक है। चल सो मेरा प्यारा बच्चा यहां पर e का पावर 40 को छोड़कर बच कौन रहा है, टी क्यूब बच रहा है, तो अपन सबसे पहले लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यूब निकालेंगे। तो देखो बेटा लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का पावर एन क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एस का पावर एन प्लस 1, तो टी क्यूब का क्या हो जाएगा बेटा, टी क्यूब का हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन एस का पावर 3 प्लस 1, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करते हैं, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यूब इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि फैक्टोरियल है, और ये हो गया एस का पावर 4। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यूब इज इक्वल्स टू माई डियर फ्रेंड 3 टू जा 6 अपॉन एस का पावर 4, ठीक है। चलिए हमने क्या निकाला, टी क्यूब निकाला, क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन कह रहा भैया टी क्यूब के साथ e का पावर 40 भी होगा, ज्यादा होशियार ना बनो, लगे हीरे बनने टी क्यूब निकाल, टी क्यूब निकाल के क्या होगा भाई, पूरा निकालो तब हीरो बनो, हाँ सॉरी भाई सॉरी हाँ भाई हाँ। तो यहां टी क्यूब के साथ e का पावर 40 भी होना चाहिए, तो सभी गधे को पता है इंक्लूडिंग मी, मैं सबसे बड़ा गधा हूं, कि यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग, यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग हम लोग क्या कर सकते हैं मेरा प्यारा बच्चा, यहां पर एक्सपोनेंशियल को इनपुट कर सकते हैं, मतलब एक्सपोनेंशियल को ऐड कर सकते हैं। चलिए तो यहां पर फर्स्ट शिफ्टिंग के मेथड से हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल को ऐड करेंगे। अब ऐसा नहीं कि एक्सपोनेंशियल को ऐड करना तो कुछ भी मत कर लेना, जो क्वेश्चन में वही ऐड करना, क्वेश्चन में क्या e का पावर 40, तो यहां पर हो जाएगा e का पावर 40, टी क्यूब पहले से था। चलिए बेटा तो जब e का पावर 40 यहां पर आएगा तो राइट हैंड साइड में भी कुछ चेंजेस होगा, चेंजेस क्या है मेरे प्यारा बच्चा, कि जब s
जब e का पावर 80 होता है तो क्या होता है, s माइनस ए होता है। तो जब e का पावर 40 होगा तो s के जगह पर s माइनस 4 होगा, क्योंकि a के जगह पर क्या है बेटा, a के जगह पर 4। मतलब सर एक ही बात आप बार बार बोल रहे हो, सीखो। चलिए तो यहां पर s है बेटा, तो s के जगह पर क्या हो जाएगा, यहां पर e का पावर 40 है ना, तो यहां पर हो जाएगा 6 अपॉन s के जगह पर s माइनस 4 का पावर 4। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर। ठीक है, चलिए अब कितने फॉर्मूले याद करते हैं भाई, कॉम्बिनेशन तो किसी के साथ भी बना सकता है ना। बुक में 17-18 फॉर्मूले दिए हुए, चलो 17-18 फॉर्मूले याद करोगे और उतना क्लिक करवा लोगे, ये ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना है। अगर देखो जो कंसेप्ट हम सीख रहे हैं कहीं फेल नहीं हो रहा है, तो उस कंसेप्ट को आगे लेके जाने में भला ही कितना फॉर्मूला याद रखोगे भाई। एक्सपोनेंशियल का बहुत कॉम्बिनेशन बन सकता है, एक्सपोनेंशियल इसके साथ बनेगा, 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 इसके साथ बनेगा। ठीक है, चलिए बेटा तो इसको आप नोट कीजिए, फिर अपन और क्वेश्चन करते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड एक और प्यारा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है एक्सपोनेंशियल। ओ माय गॉड, यहां पर एक्सपोनेंशियल माइनस में, कोई बात नहीं कोई बात, एक्सपोनेंशियल है ना, बोला हाँ सर एक्सपोनेंशियल है। तो मेरा प्यारा बच्चा जब एक्सपोनेंशियल, इसका मतलब ये है कि यहां पर फर्स्ट शिफ्टिंग यूज होगा, तो एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को छोड़कर जो हमारा फंक्शन बच रहा है उसका क्या करते हैं हम लोग, पहले लैपलास निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग लैपलास किसका निकालेंगे, सबसे पहले लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 60 निकालेंगे। क्या हो जाएगा मेरा प्यारा बच्चा, ये हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, Using first shifting, e का पावर 3t को क्या करेंगे बेटा, ऐड कर देंगे लैपलास में। चलो तो यहां पर लैपलास में क्या आ चुका है, e का पावर माइनस 3t आ चुका है। ठीक है, हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले cos 60 का लैपलास निकाला, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग हम लोग यहां पर एक्सपोनेंशियल को ले आए, लेकिन अब यहां पर एक्सपोनेंशियल का पावर देखो तो वो किस में है बेटा, माइनस में। तो यहां पर बिल्कुल नहीं घबराना, एक बात समझो आप, जब e का पावर 80 होता था तो s माइनस ए होता था, बात समझना। अगर यहां पर a नेगेटिव हो जाए, जैसे e का पावर माइनस 80 हो जाए, तो ये s माइनस माइनस ए हो जाएगा, मतलब s प्लस ए हो जाएगा। तो यहां पर बिल्कुल आपको नहीं घबराना मेरे प्यारे बच्चों, जब e का पावर 80 होता था तो हम लोग s माइनस ए करते थे, एस के जगह पर एस माइनस ए करते थे। जब ई का पावर माइनस 80 होगा बेटा, तो जाहिर सी बात है ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो एस के जगह पर एस प्लस ए करेंगे। ठीक है, चलो तो यहां पर हमारे पास क्या है, ई का पावर माइनस 3t है। ठीक है, तो ये एस में क्या कर देगा, एस प्लस 3 कर देगा। आप अगर इस कन्वेंशन से भी जाओगे बेटा, तो एस माइनस माइनस 3, अगर एस माइनस ए आपको माइनस 3 लेना, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो चाहे कान ऐसे पकड़ो चाहे कान ऐसे पकड़ो, बात तो आपका वही है। ठीक है, चले तो ये बात आप ध्यान रखना कि जब e का पावर 80 होता है तो s माइनस ए, और जब e का पावर माइनस 80 होगा तो इस माइनस की वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलो तो e का पावर माइनस 3t आने से ये क्या हो जाएगा मेरा प्यारा बच्चा, ये हो जाएगा आपका s प्लस 3, क्योंकि s के जगह पर s प्लस 3, यहां पर भी s है तो s के जगह पर s प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर स्क्वायर था, प्लस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलो लगे हाथ इसी वाले में एक और क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, लगे हाथ साथ ही साथ, थोड़ा जगह मुझे दिख रहा है, एक क्वेश्चन यहां पर इसका कर लो एक साथ में, अब मैं फिर हटूंगा मिटाऊंगा, एक क्वेश्चन एक और साथ में कर लो। e का पावर माइनस 2t साइन 4t। ठीक है बेटा, आपको बोल दे कि इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म आपको निकालना है। ठीक है, चले तो आप यहां पर क्या देखोगे, आप यहां पर देखोगे एक्सपोनेंशियल, तो आप समझ जाओगे कि यहां पर फर्स्ट शिफ्टिंग लगाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्सपोनेंशियल को छोड़कर बचा कौन, साइन 40, इसका क्या करते हैं, लैपलास निकालते हैं। देखो कितना इजी तरीके से होता, हम लोग क्या ना थोड़ा स्टार्टिंग में लंबा लेके चल रहे थे, इतना समय नहीं लगता बेटा, आराम से होता है। देखो कैसे, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 40 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्योंकि साइन 80 का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, चलो तो यहां पर यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग,
यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग। ठीक है, यहां पर क्या इनपुट करेंगे बेटा, e का पावर माइनस टू टी साइन 4t। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी अभी जस्ट आपको पता चला है कि जब e का पावर at होवे है तो s माइनस ए, और जब e का पावर माइनस at आता है तो s प्लस a हो जाता है। तो यहां पर e का पावर माइनस टू टी मतलब a की जगह पर कितना है बेटा, माइनस टू, तो जाहिर सी बात है s की जगह पर क्या हो जाएगा, s प्लस टू। तो यहां पर s सिर्फ एक जगह पर है। ठीक है, देखो क्या है, e का पावर माइनस टू टी, तो s के जगह पर s प्लस टू, यहां पर s सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर है। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन s प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए s के जगह पर s प्लस टू, यहां पर 2 होगा, सॉरी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए तो ये तो हो गया फर्स्ट शिफ्टिंग कि हाँ ये होता है फर्स्ट शिफ्टिंग। अब एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपके गेट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, वैसे वैसे एक क्वेश्चन अपन अभी करेंगे, एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे और एक आपके गेट के क्वेश्चंस करवाऊंगा, वहां पर पता चलेगा कि हाँ यार जो सीखा है वो एक जगह पर वैलिड हो पा रहा है। ठीक है, तो आप इसको नोट करो मेरा प्यारा बच्चा, फिर एक एग्जाम के लिए फिर एक गेट का क्वेश्चन करते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड, एक और प्यारा क्वेश्चन करते हैं, और यहां इस क्वेश्चन में द कंसेप्ट ऑफ पावर आपको यहां पर दिखेगा, कंसेप्ट ऑफ पावर, खतरनाक इंग्लिश, सॉरी। देखो यार फॉर्मूलेज होते हैं, फॉर्मूलेज हैं, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना तो एक जगह पे फिर फॉर्मूलेज क्या हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। यहां पर भी फॉर्मूला लगेगा लेकिन 50% बच्चे क्या कर देंगे, यहां पर गलती कर देंगे। तो फिर मतलब ही क्या बनता है ऐसा फॉर्मूला याद करके आगे बढ़ने का, जहां पर आप आगे जाके चांस क्रिएट कर रहे हो कि आप गलती कर दो। चलिए आते हैं कंसेप्ट पे। ठीक है, क्या सीखा है, क्या दिख रहा है क्वेश्चन में, मुझे तो दिख रहा है e का पावर माइनस थ्री टी। चलो ये देखकर मुझे एक बात ये पता चल गया कि यहां पर मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट शिफ्टिंग यूज होगा, मुझे क्या आपको देखकर मुझसे पहले ही पता चल गया होगा, आई एम डैम श्योर। ठीक है, लव यू, मजाक कर। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि e का पावर 3g एक्सपोनेंशियल जो है इसको छोड़कर जो फंक्शन है उसका आप क्या निकालिए बेटा, उसका आप लैपलास निकालिए। चलिए तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, e का पावर माइनस 3t को छोड़कर ये जो फंक्शन है इसका क्या करेंगे, हम लोग लैपलास निकालेंगे। चलो तो हम लोग को लैपलास निकालना है साइन 4t प्लस कॉस 6t का। ठीक है बेटा, चलो तो आपको पता है कि जब ऐसा लैपलास अपन को निकालना रहता है तो अपन क्या करते हैं, बारी बारी निकालते हैं, मतलब इसको इस तरीके से निकालेंगे, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 4t प्लस लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 6t। ठीक है बेटा, चलो तो यहां से लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 4t प्लस कॉस 6t निकल गया। क्या निकला बेटा, देखो साइन 4t का लैपलास क्या हो जाएगा, 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और कॉस 60 का क्या हो जाएगा बेटा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, खैर ये ऐसा लैपलास तो हम लोग निकाल चुके हैं। अब यहां पर क्या करेंगे बेटा, एक्सपोनेंशियल को भी लाएंगे। एक्सपोनेंशियल कैसे आएगा भाई, बैंड बाजे के साथ आएगा। चलिए लाते हैं किसको, एक्सपोनेंशियल को बाय फर्स्ट शिफ्टिंग। टड़न 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 भैया, चलिए फर्स्ट शिफ्टिंग है, एक्सपोनेंशियल यहां पर आ जाएगा, e का पावर माइनस 3t। बाकी यहां पर क्या है बेटा, यहां पर आपका साइन 4t पहले से है, कॉस 6t यहां पर पहले से। चलिए मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा और बेसिक पे आ जाते हैं। तो हमें क्या पता है कि जब e का पावर 8t आता है तो s के जगह पर s माइनस a हो जाता है। वाह 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 वाह, इरशाद फरमाइएगा, जब e के जगह पर पूरा कवाली बेकार, फिर से ट्राई करते हैं। जब e का पावर 8t आता है, s आपका s माइनस a हो जाता है। वाह 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 वाह,
जब e का पावर 80 आता है s आपका s माइनस a हो जाता है, और जब e का पावर माइनस 80 आता है तो s प्लस a हो जाता है। घटिया सा है महाघटिया, सॉरी। चलिए तो e का पावर माइनस 80 आता है बेटा, तो ये क्या हो जाता है आपका s प्लस a हो जाता है। तो यहां पर e का पावर अगर माइनस 3t लेकर आएंगे तो s के जगह पर क्या हो जाएगा बेटा, s प्लस 3 हो जाएगा। चलिए तो जहां जहां पर आपको राइट हैंड साइड में s दिख रहा है वहां पर क्या हो जाएगा, s प्लस 3 हो जाएगा। तो 4 अपॉन s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस, यहां पर भी s है तो s प्लस 3 अपॉन में नीचे भी s है तो s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर एंड हियर द फॉर्मूला फेल एंड द कंसेप्ट विंस। ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर एक साथ दो दो फॉर्मूले लगाने हो अलग अलग वाले 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 वाले, तो वहां पर दिमाग वाले 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 हो जाता है। लेकिन आप यहां पर देखो कि जो कंसेप्ट हम लोग फॉलो कर रहे हैं हम लोग कभी भी किसी क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे। तो चलिए इसको आप नोट कीजिए, ऐसा अपन एक और क्वेश्चन करवाते हैं जो फिलहाल अभी स्क्रिप्ट में नहीं था। मैं अपने मन से एक क्वेश्चन और करवाता हूं जहां से आपका कंसेप्ट क्लियर हो। और मैंने बोला ना क्लासेस थोड़ा लंबी होंगी क्योंकि एक टॉपिक के लिए अगर YouTube पे फ्री वीडियोस अवेलेबल है तो आप दो बार में भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए बेटा, फिर अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड एक और प्यारा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में आपको दिख गया होगा e का पावर 2t। चलो ये बात तो क्लियर हो गया भैया कि e का पावर 2t है तो फर्स्ट शिफ्टिंग यूज होगा, एकदम दिमाग में घुस गया होगा हमारी गारंटी, ठीक है। हाँ तो भैया यहां पर देखो ये तीन चीज, अब अगर नॉर्मल में फॉर्मूलेज आपको लिखवाता और फिर एक बार में इतने सारे फॉर्मूलेज आपको एक साथ बोलता एक ही क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए आप थक जाते क्योंकि बेसिक फॉर्मूला अलग ये फॉर्मूला अलग, तो बेटा कंसेप्ट से जाना है। मैंने हर एक बच्चे से प्रॉमिस करा कि लैपलास का एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने हिसाब से पढ़ा अरे यार बड़ा तारीफ कर रहा अपने ये घटिया टीचर। चलो तो कंसेप्ट क्या कहता है बेटा, e का पावर 2t को छोड़कर बाकी सबका क्या करो, लैपलास निकालो। तो यहां पर इसका क्या करेंगे हम लोग, पहले लैपलास निकालेंगे। चलो तो लैपलास अपन को निकालना है 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस कॉस 60 का। तो सभी को पता है बेटा प्लस माइनस में है तो बारी बारी लैपलास निकलेगा, मतलब लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 निकलेगा, ठीक है। फिर आपका लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर निकलेगा, फिर आपका लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 60 निकलेगा, ठीक है। चले तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर कॉस 60 इज इक्वल्स टू 1 का क्या होता है बेटा, 1 अपॉन s, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा 2 फैक्टोरियल अपॉन s का पावर 2 प्लस 1, है ना, क्योंकि n फैक्टोरियल अपॉन t का पावर n का n फैक्टोरियल अपॉन s का पावर n प्लस 1। तो यहां पर n के जगह पर क्या बेटा 2 है, इसलिए मैंने बेसिक वाला क्लास में बहुत सारे फॉर्मूले करवाए थे ताकि आपको यहां पर दिक्कत ना हो। cos 60 का क्या हो जाएगा बेटा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है। देखो जब c होता है तो ऊपर में s आता है, cs ब्रांच मैंने बताया था ना आपको। चलो इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। वन अपॉन एस, ये आपका 2 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा बेटा 2 इंटू 1 एस क्यू प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है। चलो सो मेरे प्यारे बच्चों यहां तक का तो लैपलास हमने निकाल दिया, अब यहां पर क्या आएगा बेटा, यहां पर e का पावर 2t आएगा, ठीक है। तो ये e का पावर 2t जो एक्सपोनेंशियल ये कैसे आता है, ये आता है फर्स्ट शिफ्टिंग के मेथड से। तो यहां पर अब क्या करेंगे बेटा, हम लोग यहां पर करेंगे यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग, लिख लेना आप, ठीक है, यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग। तो यहां पर क्या होगा, एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। तो इस लैपलास में क्या आ गया बेटा, एक्सपोनेंशियल e का पावर 2t आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर कॉस 60 इज इक्वल्स टू बेटा, देखो जब e का पावर 80 आता है तो s माइनस a होता है, और जब e का पावर 2t आएगा तो s माइनस 2 होगा। तो मतलब जहां जहां पर s है वहां वहां पर s माइनस 2, तो s के जगह पर यहां पर s है तो s माइनस 2,
यहां पर भी s है तो s माइनस टू का क्यूब, और यहां पर भी s है तो s माइनस टू, नीचे भी s है तो s माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज टू इजी, मैं सच बता रहा हूं बहुत आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर देखो अभी मैंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऐड करा था ना, जिस बच्चे ने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा है आगे यूज होने वाला, बहुत मजा आएगा यार, एक एक क्वेश्चन बनेगा आपसे। चलिए तो आप इसको नोट कर लीजिए मेरा प्यारा बच्चा, एक आपके गेट के क्वेश्चंस के बाद क्लास का समापन समारोह हम लोग करते हैं। सो नोटेड मेरा बच्चा, पार्टी नो ए। चलिए माय डियर फ्रेंड एक और प्यारा क्वेश्चन करते हैं और यहां पर करते हैं समापन समारोह, और साथ ही साथ एक ऐसा पॉइंट सीखेंगे जिस पॉइंट का यूज फिर हमको अगले क्लास में करना है। ठीक है बेटा, चलिए तो उसके बाद मैं फिर ऐड भी करूंगा, बहुत सारी चीजें भी करनी है। तो ये है गेट का क्वेश्चन जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2018 में पूछा गया है। ये गेट का क्वेश्चन दो नंबर का है ना, यहां पर भी ये क्वेश्चन वही कर सकता है जिसको कंसेप्ट पता, फॉर्मूले रटने वाले कुछ नहीं कर पाते। ठीक है चलो, तो भैया बेसिकली क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ एस इज अ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी विच इज इक्वल टू दिस। चलो ये बात तो अपन को पता है कि फंक्शन ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, फंक्शन ऑफ एस होता है। आपको क्या निकालना है बेटा, फंक्शन ऑफ वन निकालना है। तो मैंने आपको क्या बोला बेटा, एक पॉइंट जो हम लोग आज अभी यहां पर सीखेंगे उसका यूज अपन कहां पे करेंगे, अगले वाले क्लास में। चलिए तो सबसे पहली बात आप देखो कि ये है क्या यार, इसमें आपको दिख क्या रहा है, e का पावर माइनस टी दिख रहा है, खुश हो जाओ कि e का पावर क्या दिख रहा है, माइनस टी दिख रहा है। मतलब यहां पे क्लियर हो चुका है कि यहां पर क्या यूज होगा, फर्स्ट शिफ्टिंग यूज होगा। चलिए तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले फंक्शन इसको छोड़कर इसका क्या करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल देंगे। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टू टी स्क्वायर निकालना है, टू को बाहर कर दो तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर निकालना है, तो ये हो जाएगा टू, और टी का स्क्वायर का हो जाएगा टू फैक्टोरियल अपॉन एस का पावर टू प्लस वन, क्योंकि यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, टी का पावर एन का, टी का पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एस का पावर एन प्लस वन। ठीक है तो टू फैक्टोरियल अपॉन एस का पावर टू प्लस वन, क्योंकि एन के जगह पर टू है, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों टू फैक्टोरियल का हो जाएगा टू, और ये हो जाएगा एस क्यूब। तो अपन को मिल गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 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 जा फोर एस क्यूब। ठीक है बेटा, बोलोगे सर ये तो नहीं है, यहां पर एक्सपोनेंशियल भी आएगा, तो आइए एक्सपोनेंशियल महाराज यहां पर आइए, आपकी जरूरत है, आइए। कैसे आएंगे भाई, कैसे आएंगे, घोड़े हाथी में किसमें आएंगे भैया, आएंगे फर्स्ट शिफ्टिंग में बैठ के, है ना, आगे हाथी पीछे बैंड बाजा, हमारे फर्स्ट शिफ्टिंग आ जा, इतना इज्जत से नहीं लिखूंगा मैं, है ना, कोई तोप नहीं हो रहा ये। चलो e का पावर माइनस थ्री, सॉरी e का पावर माइनस टी को ले आओ, देख लो मैंने इसका मजाक उड़ाया, मैं गलती बोल रहा हूँ, गलत पढ़ा दूंगा आप लोगों को, कभी कभी तो मैं आंसर ही गलत लिख देता हूँ, कुछ भी लिख के चल जाता हूँ, दिखेगा ये चीज तुम्हें दिखेगा, हो सकता है कभी कभी मैं यहां पर क्यूब होना चाहिए, मैं यहां पर क्या लिख दू, स्क्वायर लिख दू, दिखेगा टीचर गलती होगा, मैं ध्यान ही नहीं देता है संजीव भैया, होगी गलती, होगा, हो सकता है मैं यहां पर क्यूब की जगह पर क्या लिख दू, स्क्वायर लिख दू, ऐसी गलती आपको देखने को मिलेगी, नेग्लेक्टेड, क्योंकि मुझे सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करना, ये जो चीजें है ना ये सब ठीक है, होती है गलती, इस पर नहीं रोना है, बल्कि सर को तो आता ही नहीं है भाई, यहां पर जब मैं लिख सकता हूं टू प्लस वन तो यहां भी लिख सकता हूं, लेकिन बोर्ड में ऑन कैमरा क्या फील करता हूं ना, चीजें आसान नहीं होती यार, बहुत मतलब क्या होता हूं। चलो तो आओ भाई, आओ आओ तुम आओ, पहले इज्जत से आओ, ई का पावर माइनस टी आएगा, ठीक है टू टी स्क्वायर। चलो हम लोगों ने क्या सीखा बेटा, हम लोगों ने सीखा है कि जब ई का पावर ए टी आता है तो एस माइनस ए करते हैं राइट हैंड साइड में, जब e का पावर माइनस ए टी आता है तो s प्लस ए करते। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आने वाला कौन है, e का पावर माइनस टी, इसको अगर अच्छे से लिखे तो e का पावर माइनस वन टी लिख सकते हैं, इसको कोफिशियंट कुछ नहीं है तो क्या है बेटा आपका वन, तो जब e का पावर माइनस वन टी आएगा तो s के जगह पर क्या हो जाएगा बेटा, s के जगह पर s प्लस वन हो जाएगा। ठीक है चलो, तो यहां पर s के जगह पर क्या हो जाएगा बेटा, s प्लस वन,
ठीक है। चलिए अब मैंने क्या बोला बेटा कि अपन एक चीज यहां पर सीखेंगे, रिप्रेजेंटेशन कौन सा टर्म क्या कहलाता है ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है जानते हो, लेकिन अभी मैं क्या करूंगा बेटा आपको पहचानवा दूंगा और ये पॉइंट से अपन क्या करेंगे फिर आगे के लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो तो हमने क्या निकाला अभी तक, हमने निकाला लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टू टी स्क्वायर ई का पावर माइनस टी इज इक्वल्स टू फोर अपॉन एस प्लस वन का क्यू, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बोलोगे यस सर। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये आंसर, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं पूछा कभी हमसे सर कौन सी चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रही, सॉरी पूछ के कमेंट पे भी नहीं पूछे, देखो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, देखो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एस, देखो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी, दिस इज फंक्शन ऑफ टी, क्वेश्चन में भी दिया हुआ, इज इक्वल्स टू क्या होता है फंक्शन ऑफ एस, तो इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि ये ससुरा जो है ये का है, ये फंक्शन ऑफ टी है, तो ई ससुरा जो है ई साला कौन है, ई है फंक्शन ऑफ एस, दिस इज फंक्शन ऑफ एस जेम्स बॉन्ड। क्या सीखें कि जो आंसर निकलता है बेटा उसे अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन ऑफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो बाय डेफिनेशन हमने क्या बताया था आपको कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एस, तो देखो लैपलास की जगह पर लैपलास है, फंक्शन ऑफ टी की जगह पर ये है, तो राइट हैंड साइड क्या होगा फंक्शन ऑफ एस होगा। क्या निकालने बोला है, एफ वन निकालने बोला है ना, यहां पर पुट कर दो एस के जगह पर वन बोथ साइड, तो ये हो गया एफ वन इज इक्वल्स टू फोर अपॉन वन प्लस वन का क्यूब, क्योंकि एस के जगह पर वन, तो फोर अपॉन टू का क्यूब, फोर अपॉन टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, तो ये हो जाएगा 0.50। यहां पर आंसर इनपुट करना था 0.50, दो मार्क्स आपके पॉकेट में, तो ये दो मार्क्स हमारे कंसेप्ट से आएंगे ना कि हमारे फॉर्मूले के रटने से आएंगे, ना ही एग्जाम के एक दिन पहले पढ़कर पास होने से आएंगे। अच्छे बच्चे हो आप लोग, मेरी दिल से दुआ है कि आप सब लोग अच्छे से पढ़ें, अच्छे जगह पर प्लेस्ड हो और एटलीस्ट मेरा नाम रोशन करें, थोड़ा बहुत तो आप लोग नाम रोशन कर ही सकते हो। चलो तो ये था बेटा हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग मेथड, और आज हमने यहां पर आपको एक फॉर्मूला ऐड करवाया एन फर्स्ट शिफ्टिंग मेथड, मैंने आपको बताया एन, आपको लगता है कि हाँ यार सर जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, तो आप ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐप के स्टोर पर आप जाइएगा तो आपको जो भी कोर्स चाहिए मैथमेटिक्स 1 2 3, ऑल द जो बच्चे हैं आपके फर्स्ट ईयर में उनको आप गाइड कीजिए कि मैथमेटिक्स 1 का कोर्स लेके पढ़ें, आपको भी कोर्स बहुत रिजनेबल फीस पे अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि बेटा मैं कम मेहनत करता हूँ, इतने मैंने बेसिक में क्वेश्चंस बता दिए ना, उतनी टीचर्स मेन क्वेश्चन ही बताते, मेहनत कर रहा हूँ, वो मेहनत आपको दिख भी रहा होगा, आप लोग अपना प्यार अपना सपोर्ट दीजिए ताकि मैं इसी तरीके से मेहनत करूँ, और आप लोग बच्चे नहीं मेरे छोटे भाई हो, अच्छे से, ठीक है। चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, फंक्शन ऑफ एस हमने आज सीखा साथ में फर्स्ट शिफ्टिंग मेथड, कुछ अगर ऐसा अच्छा नहीं पढ़ा हो तो भाई मुझे माफ कर देना, ठीक है। अब आपसे मिलते हैं आखिरी डेमो लेक्चर में, इसके बाद वाला, क्योंकि जो लेक्चर है वो बड़े बड़े में ले रहा हूं ताकि आप दो बार पढ़ो, वर्कलोड बहुत है, आराम नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए टेक केयर, बाय बाय, नोटेड।